स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो हमें पता है कि आजकल व्लॉगर्स कितने रियलिस्टिक हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सारे तो मैं नहीं कह रही, बट कुछ तो इतने ज्यादा रियलिस्टिक बनते जा रहे हैं कि उनकी रियलिटी जो है वो अनरियल बन गई है। तो आज कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक आम आदमी और व्लॉगर्स की आम लाइफ में कितना फर्क होता है। और ये बताने का यही कारण है कि जिन लोगों को लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द व्लॉगर्स आर बीइंग एक्सट्रीमली रियल, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे गिने चुने व्लॉगर्स हैं जो एक्चुअल में रियल लाइफ दिखा रहे हैं और रियलिस्टिक है, वरना बाकी सारे जनता को वो दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। असलियत या रियलिटी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सबसे पहले, अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी के घर पे मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? सबसे पहले कार कीज ढूंढने के लिए भागेगा और उसके बाद इमिजिएटली जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको हॉस्पिटल लेके जाएगा, राइट? या फिर डॉक्टर को बुलाएगा। बट हमारे व्लॉगर्स क्या करते हैं? जी हाँ, कई लोग समझ गए होंगे, सबसे पहले कैमरा लेने भागो भैया, बिकॉज मेडिकल इमरजेंसी है, इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर बोथ कंटेंट एंड क्लिकबेट। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अच्छा, लोग आम आदमी अपनी लव स्टोरी बताएगा तो ये बताएगा कि कैसे मैं अपनी बीवी से मिला यहाँ पे और यहाँ पे मैंने उसे पहला गिफ्ट दिया। पर आपको पता है व्लॉगर्स क्या करते हैं? वो एक नहीं, दो दो बीवियां रखते हैं। वो एक लव स्टोरी नहीं, दो दो लव स्टोरी बताते हैं। जी हाँ, और यही नहीं, अपनी दोनों लव स्टोरी बताते टाइम अपने आप को आगे नहीं रखते, वो अपनी दोनों बीवियों को सामने रख के कहते हैं कि पहली वाली दूसरी वाली की लव स्टोरी बताएगी और दूसरी वाली बताएगी कि पहली वाली ने उसको एक्सेप्ट कैसे करा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। हमें तो पता है इस फैमिली के बारे में और बहुत लोगों को आगे भी इंस्पायर कर रही है। और वो उस दूसरी फैमिली के बारे में तो मैं बात करूंगी नहीं, बिकॉज उनके लिए तो सिर्फ एक शब्द है, देयर क्रिंज प्रो मैक्स। तीन लोग है ना वो, इसलिए क्रिंज प्रो मैक्स। इमोशनल डैमेज। एक आम आदमी के घर में खुशखबरी आई, बच्चा पैदा हुआ, तो वो फोन करेगा अपने रिश्तेदारों को और वो क्या कहेगा? मुबारक हो जी, मेरे घर पे बेटी हुई है, मुबारक हो, बेटा हुआ है। पर आपको पता है ऑन द अदर हैंड व्लॉगर्स क्या करते हैं? तो गाइस, फेस रिवील करना है और फेस रिवील करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना है। नेक्स्ट व्लॉग में कहेंगे इंस्टाग्राम पे फेस रिवील करेंगे और इंस्टाग्राम पे कहेंगे स्नैपचैट पे जो भी लोग हैं अभी तक जिन्होंने साइन अप नहीं करा है कर लीजिए, बिकॉज हमारे स्नैपचैट पे हम फेस रिवील करने वाले हैं और जेंडर रिवील भी होगा, मतलब हर चीज को कंटेंट में रिड्यूस कर दिया। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इतनी बड़ी खुशी को, इतनी बड़ी, इनफैक्ट एक फैमिली है जिनके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने तो जब इस बात की अनाउंसमेंट करी कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट है और उनके घर खुशखबरी आने वाली है, तो उन्होंने उस व्लॉग के ट्रेंड होने को भी शेयर कर दिया इंस्टा पे और कहा ये फाइनली माय व्लॉग इज ट्रेंडिंग। ऐसे लगा कि जैसे अनाउंसमेंट से ज्यादा भाई साहब को, मतलब जनाब को खुशी है तो इस बात की कि उनका ये व्लॉग जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट करी है वो ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। जब हमें रोना आता है, जब एक आम इंसान को रोना आता है, तो वो अक्सर अपना रोना अपनों से छुपाता है। आपको पता है, एक थ्योरी के हिसाब से, इनफैक्ट एज पर रिसर्च, ये पता लगा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपना रोना ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि जब उनको कोई तकलीफ होती है तो रोने के थ्रू ही वो बता सकते हैं, तो वो अटेंशन सीख करते हैं ताकि उनकी तकलीफ पता लगे माँ बाप को। बड़े होने के बाद अक्सर जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना रोना छुपाते हैं ताकि वो वीक ना लगे, वल्नरेबल ना लगे, और वो नहीं चाहते कि उनके जो अपने हैं उनको रोते हुए देखे। बट ऑन द अदर हैंड, जो कुछ व्लॉगर्स हैं वो रोना दिखाते हैं और कैमरा सेटअप करके दिखाते हैं और इनफैक्ट बैठ के उस कैमरे के सामने रोने के बाद उस कंटेंट को मोनेटाइज भी करते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आपके किसी अपने को लगी है तो वो गाड़ी में बैठ रहा है, आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उसे सहारा देंगे। मैं बताती हूँ व्लॉगर्स क्या करते हैं, हाथ में कैमरा लेते हैं और उस अपने की तकलीफ को रिकॉर्ड करते हैं। रिसेंटली एक व्लॉगर है, मैं उनका नाम नहीं ले रही बिकॉज देखिए वो खुद भी काफ़ी बीमार है, तो मैं यही कहूँगी कि जब रिसेंटली उनकी मदर और मदर इन लॉ दोनों के हाथों में चोट आ रखी थी, लग रहा था कि दोनों को फ्रैक्चर है बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, उस दौरान वो दोनों कार में बैठ रही हैं। देखिए, जो व्लॉगर के हस्बैंड थे वो तो मदद कर रहे थे, गाड़ी में बिठा रहे थे उनकी माँ को और अपनी मदर इन लॉ को, बट ये जो व्लॉगर है हाथ में कैमरा लेके दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी, जबकि इनका फर्ज बनता था कि कैमरा साइड में रखे और इस मेडिकल इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर और मदर इन लॉ की मदद करे कार में बैठने के लिए। और ये वही व्लॉगर है, माइंड यू, जिन्होंने कोविड के दौरान
पूरे टाइम जब पूरी फैमिली को कोविड था, सब बीमार थे, बुखार में थे, तो हॉस्पिटल के अंदर भी ये कैमरा लेके गई है, अपनी बच्ची तक को दिखाया है व्हेन शी वाज एक्सट्रीमली अनवेल। और आज तक ये बीमारियों को एज अ क्लिकबेट यूज करती आई है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि रॉ है या अनफिल्टर्ड है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप जरूर बताइए, अपनी जनता तक जरूर ये बात पहुंचाइए कि आप बीमार हैं या आपके परिवार में कोई बीमार है। चलो जी, आपने थंबनेल लगाया, वो भी एक बार जायज है। वैसे तो वो भी गलत है कि किसी को आप हॉस्पिटल में दिखा रहे हो तो किसी को बीमार दिखा रहे हो, बट दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए आपने लगाया, चलो जी एक बार हम वो भी समझते हैं। बट ये बताइए मुझे कि हॉस्पिटल के अंदर तक कैमरा ले जाना कब तक सही है? और तब जब आपको पता है कि दो लोग जिनके हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है वो गाड़ी में बैठे हैं जहाँ उन्हें सहारा देना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करें, किसके लिए, क्यों? व्यूज़ के लिए, वो बाद में भी आ सकते थे। जब आपने थंबनेल लगा ही दिया है तो ट्रस्ट मी, Everyone will click on it. But at least अंदर जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें इतना तो ध्यान रखिए कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान आप कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, कैमरा छोड़ के बाद में आने के बाद बैठ के बता दीजिए कि क्या क्या हुआ, बिकॉज जिन लोगों को आपकी चिंता होगी वो बिना देखे भी समझ जाएंगे कि हाँ सच में परिवार में कुछ हुआ है। एक व्लॉगर हैं, उनके एक टाइम पर बहुत सारे फ़ैन थे, तब तो ये बात मैं उठा भी नहीं सकती थी बिकॉज वो फ़ैन पीछे पड़ जाते थे, पर आज मैं ये बात ज़रूर उठाऊँगी। उन ब्लॉगर की बेटी के चिन पे बहुत बुरी चोट लगी और वो उन्होंने जो करा मुझे समझ नहीं आया, हो सकता है कुछ लोगों को आ गया हो। अच्छा, दिल के मरीज, इस वीडियो को प्लीज 20 सेकंड से स्किप कीजिए। तो ये जो भाई साहब है, इन्होंने बोला अपनी बेटी को जिसकी स्किन लटक रही थी चिन से कि बेटा चिन की स्किन खुद पकड़ लो, क्योंकि पापा ने तो कैमरा पकड़ा हुआ था। हाँ जी, और उसके बाद पापा गए कैमरा लगा के गाड़ी का पूरा टायर चेंज करा और फिर वो बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए। ये चाहते तो किसी और व्हीकल में, किसी टैक्सी में, किसी में भी ले जा सकते थे, पर इनको तो कंटेंट क्रिएशन की पड़ी रही हमेशा कंटेंट के चक्कर में। आज ये जो कर रहे हैं, नौबत ये आ गई है कि महीनों हो चुके हैं, बच्चे सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर ही हुए जा रहे हैं, कोई स्थिरता नहीं है इनकी ज़िंदगी। एक और बहुत होनहार व्लॉगर हैं। देखिए, आम आदमी अगर देखेगा अपनी बहन को रोते हुए कि वो बीमार है बहुत ज़्यादा, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, चाहे संडे हो, मंडे हो, वेनसडे हो, कोई भी दिन हो, वो पहले उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, उसके बाद, वैसे उसके बाद भी वो वीडियो नहीं बनाएगा, बट खैर चलिए, इनका तो काम है ना, इनकी तो मजबूरी है। बट ये जो जनाब है, जो व्लॉगर है, इनकी बहन रो रही थी, तड़फ रही थी, बीमार थी, एंड ये बैठ के व्लॉग की एंडिंग बना रहे थे, उसके बाद अपनी बहन को बैकग्राउंड में बिठा के उसका रोता हुआ चेहरा पूरा दिखा के उसके बाद व्यूअर्स को बद्दुआ दी, पर उस दिन वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए। इन सारी चीज़ों में हॉस्पिटल का कहीं जिक्र नहीं आया, वो तो बहन ने, जो साहिबा है उन्होंने बाद में बताया, बहन साहिबा ने, कि भैया भाभी को हॉस्पिटल नहीं मिला क्योंकि संडे था। कमाल है कि हॉस्पिटल ढूंढने की फुर्सत नहीं मिली पर बैठ के बद्दुआ देने का वक्त मिला। ये है हमारे प्यारे व्लॉगर्स। अच्छा, आम आदमी क्या करता है ना, उसको कंटेंट नहीं बनाना तो वो एक बार शॉपिंग करेगा, महीने में दो बार कर लेगा बस। बट एक फैमिली है, वो जब शॉपिंग पे निकलती है बिकॉज कंटेंट क्रिएशन अच्छी खासी हो जाती है, तो वो एक महीने में कई बार जाती है और पूरी पूरी जो शॉप है वो खरीद के ले आती है और उसके बाद वो पहनती नहीं है, और उसी महीने में, हफ्ते में ही, इनफैक्ट सेम हफ्ते में ही वापस से उस जगह जाती है और वही कपड़े वापस बनवाती है जो पहले बनवाए थे। थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं रंग और डिज़ाइन में। और बस एक ही चीज़ कहूँगी कि इनके चक्कर में एक है ईश्वर कलेक्शन शॉप और एक है वो अमील भाई, इन दोनों के वारे न्यारे हो रखे हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में इन लोगों ने वो फास्ट फैशन की वो ट्रेंड चला रखा है जिसमें ये पहनते भी नहीं है वो कपड़े, और हर तीसरे चौथे दिन ये चले जाते हैं नए कपड़े बनवाने। अच्छा, बने बनाए कपड़े इनकी डिक्शनरी में आते नहीं है, बिकॉज क्या है, कंटेंट कैसे बनेगा, बने बनाए कपड़े आ जाएंगे। तो चाहे शादी हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी दिन हो, ये हमेशा बिल्कुल शुरुआत से कपड़ा लेते हैं, उसके बाद कपड़ा बनवाते हैं, उसके बाद पहनते नहीं हैं, उसके बाद फिर लेते हैं, बनवाते हैं, पहनते नहीं हैं, और ये साइकिल चलती रहती है और इनके व्लॉग्स चलते रहते हैं बिकॉज अपेरेंटली इनकी ऑडियंस को ये प्रोसेस बहुत पसंद है। अब किसी का श्राद्ध है तो नॉर्मल इंसान तो बैठेगा, पूजा करेगा, दैट्स ऑल। बट एक व्लॉगर है जिन्होंने तो हद ही सारी पार कर दी है व्लॉगिंग की, वो लड़की दिखाती है कि उसके पापा के रिचुअल्स हो रहे हैं, यानी श्राद्ध हो रहा है, और उस दिन उसने ये भी दिखाया व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग श्राद्ध।
हद हो गई। जम जम के उसने बाहर का वजन खाना खाया और अलग अलग तरीके की सैलेड दिखाई, और जब दुनिया ने कहा कि आप ये कर क्या रहे हो, तो उसने उस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक अच्छा खासा लंबा व्लॉग बना दिया। कोई मुहावरा इनके ऊपर सेट होता है, पहले चोरी और फिर सीना जोरी। एक व्लॉगर तो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बात भी कर रही थी, मुझे याद आया, एक व्लॉगर तो अपनी बहन की शादी का सिनेमैटिक वीडियो तक इंक्लूडिंग ऑल अदर वीडियोस अपने चैनल पे डालते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान होगा जिसकी शादी होगी उसी के चैनल पे वो वीडियो डालेगा ना, नॉर्मल केस में। बट ये जो है, इन्होंने अपनी बहन की शादी नाम मात्र को करा तो दी, जिनके कपड़े भी बहुत बढ़िया बने थे, बट ऑन द अदर हैंड इतनी प्रॉफिटेबल बनाई वो शादी कि रिसेप्शन का इनविटेशन तक स्पॉन्सर्ड था, और बाकी रही बात सिनेमैटिक वीडियो डालने की, तो उस पे इतने व्यूज आए कि शायद शादी में प्रॉफिट ही बनाया होगा इन जनाब ने। उससे मेरा क्या फायदा? जनाब आपका इतना फायदा हुआ कि लोग सोच में पड़ गए कि ये शादी करवाने के लिए की गई थी या प्रॉफिट कमाने के लिए। यहाँ पे तो इमोशनल डैमेज वाला मीम भी नहीं लगा सकती, बिकॉज उस पे भी ये व्यूज कमा लेते हैं। जानती हूँ काफी सच बोल गई हूँ, अगर आप व्लॉगर हैं और सुन रहे हैं देन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बाकी व्यूअर्स के लिए आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट वॉज एन आई ओपनर फॉर यू गाइज। और एक और चीज, अगर कोई भी ऐसा इंस्टेंस आपको किसी व्लॉगर का याद हो जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा करा जो आम आदमी कतई ना करता, तो कमेंट सेक्शन में वो इंस्टेंस लिखना भूलिएगा मत। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।